क्या करूं अभी? ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं पावर पिवट, और मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है। अब रिकॉर्डिंग ठीक है सर। तो बेसिकली हमारा एक डेटा विजुलाइजेशंस विद टैबलू का कोर्स है, और जैसे हमने बताया कि टैबलू से पहले हमें पिवट पावर पिवट के बारे में जानना जरूरी है। और जहां तक हमारी आपसे बातचीत हुई पिवट आपको आता है, तो चलिए हम पावर पिवट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पावर पिवट एंड पावर क्यूरी दोनों इसमें हम पढ़ेंगे आपके साथ। तो पावर पिवट, सबसे पहले आपको आपके सिस्टम में पावर पिवट होना चाहिए, पहले चीज जान लें। तो अगर आपके पास वर्जन 2010 है तो आपको गूगल से पावर पिवट इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी जी 2013, 16, 19 पर आपके पास है तो पावर पिवट को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इसको एक्टिव करना पड़ेगा, वो डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है। तो आपको जाना है फाइल मेनू बार में और जाना है आपको ऑप्शन पे। ऑप्शन में आपके पास कस्टम यहाँ पे एडिंग्स है, और एडिंग्स में यहाँ पे एक्सेल एडिंग्स की जगह पे आप कॉम एडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे एंड गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने पावर पिवट एंड पावर मैप वगैरह आ जाएगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पावर पिवट का टैब आएगा। अब जानिए कि पावर पिवट है क्या। नॉर्मल पिवट तो आप समझते हैं किसी भी डेटा और या एक्सटर्नल डेटा को समराइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिवट का। पावर पिवट होता है कि उसी पिवट के अंदर हमें नए कैलकुलेशन, नए चीजें ऐड करने की जरूरत पड़ती है जी। और हम दो या दो से अधिक पिवट्स के ऊपर हम दूसरे दो और दो से अधिक डेटाओं के ऊपर हम आसानी से पिवट टेबल लगा सके। ये उसी तरह है सुजीत जी, जैसे सर ज्वाइन हम टेबलू में ज्वाइन यूज करते हैं। राइट, टेबलू में ज्वाइन या फिर आप एक्सेस में ज्वाइन यूज करते थे, इसके में ज्वाइन यूज करते थे, उसी तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैसे, चलिए एक सैंपल डेटा हम आपके साथ क्रिएट करते हैं। राइट, या कोई डेटा को थोड़ा सा ऐड करते, मैं एक डेटा लेता हूं, ओपन करता हूं। राइट, ये एक हमारी सैलरी की डेटा है, इसमें डिपार्टमेंट है, सब कुछ है यहाँ पे दिया हुआ है। बट इसमें हमने एक यहाँ पे बैंक आईडी कर दिया है, ये सैलरी इस बैंक में गया। राइट सर, और जो हमारी बैंक की जो डिटेल्स है वो हम यहाँ लिख देते हैं कि आईडी, नेम और ब्रांच। ठीक है, जो 1, 2, 3, 4 एंड 5, पहला में हमारा मान लीजिए कि एसबीआई है, एसबीआई। दूसरा में मान लीजिए हमारा ये है पीएनबी। तीसरा में मान लीजिए हमारा है HDFC। चौथा में मान लीजिए यहाँ पे यस बैंक है।
पांच नंबर मान लीजिए, हेलो जी, they are providing the online classes, the online learning system. Like we are providing the online live training sessions. Alright, we are the booking. And I see. So we have the two data. First data is available in the bank ID, and second data have a. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा जगदीप जी कि ये जो banks है ना, इसमें हम तो रिलेशनशिप का रूल कहता है कि दो डेटा के अंदर में एक डेटा का यूनिक होना, जैसे मैं बैंक को लिंक करना चाहता हूं तो यहां पे बैंक मल्टीपल टाइम्स है, तो हमें नेक्स्ट डेटा में हमारा बैंक वन टाइम होना चाहिए, राइट सर। अब यहाँ पे रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अभी तो ये तो एक ही है, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास दो डेटा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें होती है, कुछ इंफॉर्मेशन किसी और में होती है, ठीक है। तो अब हम इसको मान लीजिए कि अगर इसकी इस पर अगर हम पिवट लगाएं, तो हमें अगर हम टावर पिवट ना लगाएं, रिलेशनशिप यूज ना करें, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बैंक का नेम, यहाँ पे ब्रांच, दोनों एड करना पड़ेगा। कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद पिवट लगानी पड़ेगी। यहाँ पे दिक्कत ये आती है, इसमें बोलते हैं सिंपलाइजेशन, कि अगर एक इंफॉर्मेशन हमारे पास कई तो उस इंफॉर्मेशन की हम यूनिक पोर्ट को यहाँ डालेंगे और बाकी उसको एक सीट पे डालेंगे। इससे क्या होगा कि आप सोच लीजिए ना कि बैंक यहाँ पांच बार है, सिर्फ पांच जगह की स्पेस ले रहा है ना सर, यही अगर यहाँ आएगा तो तकरीबन हो जाएगा 100 times नेम और 100 times ब्रांच, ये स्पेस हमारा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इसको पावर पिवट लगाएं कैसे, सबसे पहले आपको करना है पावर पिवट पे जाना है और यहाँ मैनेज पे क्लिक करना है, ठीक है जी। मैनेज पे क्लिक करते ही आपको एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट ही यहाँ ओपन हो जाएगा। अब मुझे इस डेटा को मुझे यहाँ पे लेके आना है हमारे पावर पिवट के अंदर, बोलते डेटा, ये होता है आपका डेटा विजार्ड, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो इसको आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एड टू डेटा मॉडल, राइट, ठीक है। एड टू डेटा मॉडल में क्लिक करेंगे और यहाँ देखिएगा माय डेटा हैज अ हेडर पेज, जरूर क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिएगा तो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आया ये लिंक होके आएगा, याद रखिए, ये पहले मैनेज पे क्लिक करना, उसके बाद मुझे एड डेटा मॉडल पे क्लिक करना, डेटा मॉडल, ये पिवट के हर पिवट जब भी लगता है, जैसे नॉर्मल पिवट जब लगाते हैं तो क्या करता है, डेटा से लिंक नहीं होता है, अगर डेटा से लिंक होता तो डेटा को चेंज करते ही अपने आप को अपडेट कर जी जी। जब भी आप पिवट टेबल लगाते हैं, पिवट टेबल की रो रोटेशन की चेंजिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट चेंज नहीं होती, रिफ्रेश करना पड़ता है, ताकि जो पिवट लगा उसको अंदर मैनेज कर सके। अब इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि अगर पिवट लगाओ और लगाने के बाद आप ये रो डेटा को डिलीट कर दो,
फिर भी आपका अपनी वर्क वर्क करता रहेगा, इसलिए कि वो इसी विजार्ड में अपने डेटा को कॉपी कर रहा है। ठीक है, ओके, अगर मैं एक्सेल शीट से डिलीट कर देता हूं तो वो इसमें रहेगा विजार्ड। हाँ, इसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा डेटा आपका है। अब मुझे टेबल वन है, इसका नाम मैं कर देता हूँ डेटा, नाम भी चेंज कर सकते हैं सीट की तरह, इसको बिहेव कर सकते हैं। फिर मुझे दूसरा डेटा को भी ऐड करना है, फिर हम दूसरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद वापस हम जाते हैं इसमें और यहाँ एड डेटा टू डेटा मॉडल एंड। तो यहाँ देखिए एक और सीट यहाँ ऐड होगी, वहां पे हमारे बैंक के डेटा आ जाए। अब जरूरी नहीं कि ओनली होना चाहिए, इसमें आप 3, 4, 5 भी कर सकते हैं। कैसे समझाने में, और भी सीट्स ऐड कर सकते हैं, और सीट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत आ गई कि बैंक डेटा और बैंक के बीच में कोई रिलेशन नहीं। तो सबसे पहला काम है डेटा मॉडल को ऐड करना, दूसरा काम होता है हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो उसके लिए हम यहाँ डायग्राम व्यू में आते हैं। अब यहाँ आईडी नेम ये सब दिख रहा होगा, क्योंकि बैंक आईडी है और बैंक की आईडी दोनों एक ही है, तो बस आपको उठा के इसके ऊपर होल्ड कर देना है, जैसे कि आप एक्सेस में करते थे, एसक्यूएल में करते कि एक्चुअली मैंने एक्सेस यूज नहीं किया। हाँ, तो बस इसको होल्ड कर उठा के इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है, दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम अगर बात करें यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करें तो वापस आप पिवट टेबल पे आ जाएंगे। ओके, ठीक है, ये आपका पिवट टेबल बन के आ गया। ठीक है, ओके, अभी मैं एक्सेल शीट पे आ गया हूँ दोबारा। हाँ, दोबारा पिवट टेबल क्लिक करते हुए एक्सेल शीट पे पिवट टेबल लग गया। ओके, जो मेरा मैंने पावर पिवट में जो मैनेज किया डेटा विजार्ड के अंदर, वो सेव कहाँ होगा? इस फाइल के बैकएंड में होगा। समझ गए? तो उसको ओपन कैसे करेंगे? वापस यहाँ पावर पिवट में मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करूंगा मैं और वो मुझे दिखा देगा। ठीक है, डेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पिवट में फिल लिस्ट में देखिए, एक आपके पास यहाँ यहाँ पे फिल लिस्ट के अंदर में एक्टिव और ऑल है। ठीक है जी, ऑल में आपके पास दो सीट है, दोनों सीट का डेटा ला रहा है, बैंक और डेटा। मुझे चाहिए कि बैंक वाइज हमने नेम डाल दिया यहाँ पे, ब्रांच वाइज मुझे चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय नेम को यहाँ रख दिया, काउंट सारे जी, सैलरी चाहिए तो उसको उठा के आप सैलरी की लिस्ट, राइट सर? ठीक है, बट यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेट, एक पर्पस ही हुआ, दूसरी पर्पस हुआ कि हम थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह भी अपने पावर पिवट में करना चाहेंगे। समझ गए सर? जी जी। तो पावर पिवट में कैलकुलेशन करने के लिए हमें जैसे कि क्या कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे डेटा के अंदर में आप देखेंगे कि सैलरी है, बोनस है, ओवरटाइम है, इन दिनों के बीच में टोटल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ एक टोटल का फील्ड ऐड हो, बट डेटा में हम किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं चाहते, क्योंकि डेटा लिंक है किसी और डेटा से या फिर हर दिन होता है तो दिक्कत हो जाएगी जब हम इसको इसमें किसी तरह के एडिट करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अपने डेटा व्यू पे आते हैं और मेन हमारा डेटा कौन सा डेटा इस पे आते हैं और यहाँ ऐड कॉलम दिख रहा है आपको सर जी,
इस पे अब जो हम चेंजिंग कर रहे हैं हम अपने बैकएंड में डेटा में कर रहे हैं, मेन डेटा में नहीं कर रहे, मेन में नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो यहां पे हमने दिया सैलरी प्लस बोनस, ठीक है, बोनस प्लस ओवरटाइम, ठीक है सर। जी अब मैं वापस अपने डेटा में आता हूं, पिवट में, सॉरी, तो पिवट में यहां लास्ट में टोटल ऐड हो गया, मैं सैलरी हटाता हूं और इस पेज का टोटल ऐड, समझ गया जी। अच्छा, डू वी हैव अनदर ऑप्शन इन पावर, मतलब जो कैलकुलेशन फील्ड से कर लेते हैं हम, एनालाइज से कैलकुलेशन फील्ड से, हां तो कैलकुलेशन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूं। तो इसमें कैलकुलेशंस कैलकुलेशन फील्ड में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको हैंडलिंग करने में। अब यहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पिवट में, तो हम उसके रिलेशनशिप भी ले रहे हैं, जैसे आप ऊपर काम करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड आपका वर्क करना बंद कर देगा। और यहाँ पे बहुत और भी बहुत सारे चीजों की कर सकते हैं, जैसे कि इसमें और भी जैसे फॉर्मूला वगैरह लगाना है आपको, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला भी वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉलम देता हूँ कि मुझे यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करना है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, और जैसे मैं यहाँ पे इक्वल इक्वल करूंगा, और इसमें खुद के बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है सर, और ये फॉर्मूले आपको कहाँ मिलेंगे, दिख रहा है आपको सर जी? तो फॉर्मूले के लिए आपको बस यहाँ एफएक्स पे क्लिक करना, ये आपके फॉर्म, ठीक है। तो ऑल फॉर्मूले हैं यहाँ पे, अलग अलग कैटेगरीज वाली फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सारे फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ तो आपके एक्सेल के फॉर्मूले हैं और कुछ फॉर्मूले पावर पिवट के खुद के फॉर्मूले, ठीक है जी जी। तो ये फॉर्मूले भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे यहां पे मैं कमीशन है ना, मैं कमीशन को हटा देता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इसके कि जो एम्प्लॉई है उसको ज्वाइन किए हुए कितना दिन हो चुका है, कितने महीने हो चुके हैं, समझे, क्योंकि मुझे ग्रेजुएटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे मंथ किया, मंथ दो हो गया, दिक्कत है इसमें, तो मुझे मंथ यहाँ पे मंथ टू ऑटोमेटिक ले लिया ना, मैं यहाँ पे मंथ कर देता हूँ, ठीक।
और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं डेट डीआईएफ, ठीक है, डेट वन हमने इसको सिलेक्ट किया, डेट टू, डेट टू हो जाएगा टुडे, और यहां पे हमने दे दिया कि क्या चाहिए मुझे, तो चाहिए मंथ, ठीक है। तो डेट डी आई फॉर्मूला क्या किया, ये मंथ आपको निकाल के दे दिया, ठीक है, डिफरेंस डेट डिफरेंस दे दिया ना, हाँ। ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो कैलकुलेशन में आप एक्सेल के फॉर्मूले ही आ सकते, तो यहाँ पे हमारे पास डेट डिफरेंस आ गई। अब मुझे इसमें एक चीज और करना, ऐड करना है कि मुझे यहाँ पे ग्रेजुएटी देना है, ठीक है ना। तो कंपनी कहती है जिसकी 50 महीने हो चुके हैं, जिनकी 50 महीने हो चुके हैं, तो उनको हम 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से माने की कमी देंगे, पे आउट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे ये अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन इफ का लगाएंगे, इफ। ये सारी चीजें आपको टैबलू एंड पावर बीआई में भी मिलेगा सर, यहाँ समझिए। तो हमने यहाँ पे दिया कि इफ, हमने इसको सिलेक्ट किया कि मंथ इज ग्रेटर देन 50, देन हमने वापस मंथ मंथ माइनस 50 और ब्रैकेट लिया माइनस 50 और मल्टीप्लाई बाय 200 अदरवाइज जीरो। समझ गया जी। अब मुझे अभी इस जीआर का टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस पे जाएंगे डेटा पे और यहां हम टोटल हटा देंगे और यहां पे जीआर का टोटल, तो बैंक वाइज मुझे टोटल मिलेगा। और इसको हम डिपार्टमेंट वाइज ये करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट को हमने यहां रखा, तो डिपार्टमेंट वाइज इस तरह से टोटल भी आपको ठीक है। तो हमने डेटा के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं किया, आप देख रहे होंगे डेटा के ऑटोमेटिक रेंज भी खुद ले रहा है, किसी तरह का छेड़छाड़ हमने नहीं किया, हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम डेटा मॉड्यूल के अंदर कर रहे हैं। अब इसमें रिलेशनशिप करना जरूरी नहीं, तो आप कैलकुलेटेड फील्ड में हमारा फील्ड जो है लिमिटेड होता है, एक चीज ध्यान रखिए कि पावर पिवट के अंदर में हम कैलकुलेशन काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब और एक बार फॉर्मूला की एक बार नजर मारते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, यहाँ हमारे पास एबीएस है, ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, इसमें कुछ फॉर्मूला एक्सक्लूसिव है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऑल का फॉर्मूला है, यह रिटर्न यहाँ पे रिटर्न द ऑल रोज इन द टेबल एंड ऑल रोज वैल्यू इन द कॉलम हैज बीन अप्लाइड। इसका यूज होता है जैसे कि आपके पास है, तो क्या ये सारे फील्ड टेबल के सारे फील्ड में मैच करते हैं या नहीं, ठीक है। इस्तेमाल करते हैं इसमें कुछ एवरेज वगैरह, तो एक्सेल का ही फॉर्मूला है, एक्सेल में लगे हुए हैं, ये सब यूज करेंगे आपको। कैलकुलेटेड भी आपका है कि आप कोई भी इसमें मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं,
यहाँ देखिए कैलेंडर का फॉर्मूला है, रिटर्न द टेबल, रिटर्न ए टेबल विद वन कॉलम फॉर ऑल स्टार्ट डेट एंड अनएंड डेट। तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला यहाँ लगाए, समझ गए? जी जी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लगाया फॉर्मूला, तो इसमें देखने के लिए फॉर्मूला होता है कैलकुलेट का फॉर्मूला लगाते हैं, कैलकुलेट और हमने एक्सप्रेशन दे दिया मान लीजिए कि डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमने आपका ये आता है कि इसमें क्या आना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट ऑल डेटा, डिपार्टमेंट और क्या लगा दिया हमने, इतने मतलब है कि यहाँ भी हम ये जो आपका डेटा होता है यहाँ से साथ होता है, नीचे हम अपने हिसाब से कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ आप आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सम कर देते हैं, सम और सम किसका चाहिए, तो हमने सम बोला हमारा सैलरी का टोटल चाहिए, ठीक है सर जी हाँ। तो अब इसका यूज क्या है, क्योंकि ये आपका पिवट में तो नहीं आएगा, पिवट में जाएंगे तो यहाँ पे ये चीज तो नहीं आएगा ना सर जी। हाँ यहाँ पे आएगा, इसको आप इसमें दर्शा सकते हैं, ये सबका दिखा रहा है फोर्थ कॉलम में। तो और भी ये तो ए है आपका, इसमें और भी कैलकुलेशन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्राइटेरिया होगा डालना है इसके ऊपर डालते, इसके बारे में आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन इसका यूज हम इस लेवल पे एक्सेल में नहीं करते हैं, ध्यान रखिए जो हम आपको बता रहे हैं, एक्सेल में हम अपना बस कैलकुलेशन वर्क करते हैं, नीचे जो आपका जो है आपका मैसेज मेंश्योर जो होता है, उस मेंश्योर वगैरह का यूज हम लोग जस्ट ये देखने के लिए करते हैं कि क्या है, या फिर मान लीजिए मुझे इसके ऊपर यहाँ तो हमने अलग वर्क किया ना सर, यहाँ पूरी एक से चाहिए, तो यहाँ ही हम सब उसका यूज कर सकते हैं, आपने ही भी देखा मेंश्योर को अगर मैं उठाया, अगर मैं इसमें तो रखिए सकते हम रखेंगे मेंश्योर किसमें, एक मिनट मैं हटाता हूँ और मेंश्योर पे, तो जो हमारे मेंश्योर की कैलकुलेशन थी सैलरी के ऊपर फिक्स हो गया थे हमारा जी जी यहाँ, तो अब इसका बोलेंगे सर इसका क्या यूज है, जैसे कि अब यहाँ पे मुझे कॉलन ऐड करना पड़ रहा है टोटल के लिए, मैं टोटल यही लिख सकता था, कैसे देखिए
सम, और इसी में हम प्लस करते हैं या आगे प्लस वापस हम सम करते हैं और इसमें देते हैं हम अपना गोल, ठीक है सर, प्लस लेते हैं हम ओवरटाइम कम करना ओवरटाइम। ठीक है जी, आ गया सर। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे मेंसू उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे तीन आ रहा सर, तो हमें यहाँ पे जो हमने टोटल ऐड किया उसको ऐड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं पे अपने फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे लग जाएगा जी। ठीक है जी, मतलब मुझे कई सारे कैलकुलेशंस करने हैं और एक जगह पे कॉम्प्लिकेशन करने कैलकुलेशन से बचना है तो उस केस में हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमने ग्रेजुएटी निकाली है कंडीशंस पे, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर था, कैलेंडर में स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, और जो मेंश्योर लिखा हुआ है इसके जगह पे अपना कुछ और भी दे सकते हैं, भी यहाँ पे दिया हो हम यहाँ पे दे दिया 15 एंड हमने दे दिया 35 12 2000। ये डेट फॉर्मेट में आ रहा है, इसको नंबर फॉर्मेट माना चाहिए। अंदर में सम नहीं, कम नहीं होगा, काउंट होगा। जैसे कुछ फॉर्मूले मैंने भी यूज नहीं किए हैं सर, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक बार फॉर्मूले का लिस्ट बना देता हूँ और फिर हमने अभी तो सिंगल फाइल भी किया है ना, तो हम सिंगल सीट कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल सीट के साथ भी कैलकुलेशंस हम आपको ठीक है फॉर्मूले की लिस्ट एक बार आपको हम बता देते हैं। बेसिकली हम लोग इसका यूज करते थे अपनी रिपोर्ट ऑटोमेशन में, वो रिपोर्ट करते थे इस तरह की कैलकुलेशंस की, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया। दूसरी इसका यूज होता था ये आपका मेंश्योर निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मेंश्योर 1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल, ठीक है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सिंगल ये लगाना भूल गया मैं,
ऑलरेडी और टोटल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो टोटल ऑल कर देते हैं। इस तरह के मेंश्योर वगैरह निकाल लेते थे ताकि हमें पिवट में आसानी हो जाती। आ गया सर? तो इस तरह की चीजें करने के लिए यूज करते थे हम, सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, या पर्टिकुलर कंडीशंस पे सम इफ हो गया, तो इसका यूज हम लोग कर लेते थे। जैसे कि यहाँ पे फिल्टर्स हैं हमारे, तो फिर हम यहाँ पे तो फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैं हम यहाँ पे अपने इसमें क्या बोलते हैं, आते हैं वापस। जैसे मैं यहाँ पे हम करते थे यहाँ पे आपके सामने मुझे इसके एक सम करना है और हम चाहते हैं कि फिल्टर ऑलरेडी लगा हो, हमें फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। इसमें बहुत सारी चीज चेंज है, 2019 में कुछ चेंज हुआ है ना, इसलिए तो दिक्कत हो रही है सर। 2016 सही था। हेलो, समराइज का गेम हम लोग करते हैं। ये सारा यूज का हम लोग करते थे और इसमें हम स्ट्राइक में हम लेते हैं बोनस। दूसरे फील्ड से भी इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल हो गया, दूसरा आता है ग्रुप बाय नेम। ग्रुप बाय कॉलम नेम, थोड़ा स्लो भी बहुत वर्क करता है तो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है सर, तो इसको यूज कीजिए। इसके हम 8-10 फॉर्मूले के लिस्ट बनाते हैं। इसमें हम लोग रिलेटेड का फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं कॉलिंग के लिए, जी लुकअप होता है ना आपका एक्सेल में सर, ऐसे यहाँ पे आपका रिलेटेड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें नीचे हम लोग वही सम वगैरह यूज कर लेते हैं ताकि हमें एक नया कॉलम यहाँ पे आया डेट मॉडल बना करना पड़े। और इसमें आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो मर्जी कैलकुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ करने में दिक्कत नहीं हुई, अब इफ हमने इफ लगा दिया, यहाँ पर आसानी से हमने यहाँ पे डेट इफ का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे अपने मर्जी से जो फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए नीचे जो फॉर्मूला है कुछ फॉर्मूले सपोर्ट करते हैं और कुछ फॉर्मूले सपोर्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूले सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लगाना चाहें। ठीक है, जैसे ये तो आपका डेटा ये मंथ या अप्रैल डाला हुआ है, अब मुझे मान लीजिए ये निकालना है कि किस महीने में कितनी हायरिंग हुई,
राइट सर, ऐसे हम ग्रुप करके पिवट पे भी ग्रुप प्रेयर करते हैं, लेकिन जब बात हो दो से दो या दो से अधिक टेबल्स की यूज करने की, तो हमें इसमें यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ जाता है और यहाँ पे हम ट्रेनिंग मंथ करके कॉलम बना सकते हैं और इसमें हम जो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इज नॉन टेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने मंथ का फॉर्म है, जो नेक्स्ट मंथ है, जो डेट डालोगे उस महीने की नेक्स्ट मंथ दिखा देगा अपना, या आपका प्रीवियस मंथ दिखा देगा, या आपका इस महीने का डेटा स्टार्ट हुआ है वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे आप लगा ईओ मंथ लगाते हैं तो एंड ऑफ आपका जो लास्ट का लास्ट डेट दिखा देगा और एंड ऑफ मंथ भी है रिटर्न ऑफ द एंड मंथ। वैसे आपके अकॉर्डिंग पावर पिवट का यूज कितना परसेंट है? पावर पिवट का यूज पे डिपेंड करता है आपका पावर पिवट, जैसे आपकी डेटा आपके पास आता है वो थोड़ा आता है। देखिए पिवट, पावर पिवट के हम दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका होता है कि आपके पास डेटा आया क्योंकि शॉर्ट कैलकुलेट है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन आपको करने, तो अगर आप डायरेक्ट डेटा में नॉर्मल कैलकुलेशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि डेटा के साथ फॉर्मूला लग जाता है। अब जब भी आपका डेटा इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा तो आपको उस फॉर्मूले को ऐड करना पड़ेगा या फिर डिलीट करना पड़ेगा, समझ गए जी। और दूसरा है कि आपको हर बार पिवट को रिसाइज भी करना पड़ जाएगा। तो हम पावर पिवट लगाते हैं तो हमें बार बार पिवट को रिसाइज नहीं करना पड़े। जैसे हमने मंथ किया और इस मंथ में डेट हमने चाहिए तो डेट जो है हम डेट आपका ये रहा ना डेट जी। और यहाँ पे एंटर कर दिया, इस डेट का मंथ मुझे सेट करके आना है, ठीक है। हेलो, अब मैं से 5-10 मिनट कॉल बैक करता हूँ क्लास। तो उस केस में हम उसको पावर पिवट की यूज करते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन बैकएंड में कर सकें, जिससे मुझे डेटा में बार बार अपडेट ना करना पड़े, ठीक है। ये पहला मंथ आ गया पावर पिवट का, ठीक है। दूसरा मंथ ये होता है, अब पावर पिवट में क्या है, जैसे ऑफिस 365 हमने ऐड किया है मित्र, तो बहुत सारे फॉर्मूले और नए ऐड हो गए। पहले मैं ऑफिस नॉर्मल करता था, लेकिन ऑफिस 365 में क्या होता है कि जैसे ही कोई नया फॉर्मूला एक माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करता है तो ऑटोमेटिकली ऑफिस 365 में फॉर्मूला ऐड हो जाता है। तो ये जो कुछ फॉर्मूले मैं लगाता हूँ एरर आ रहा है, तो इसका रीजन यही है कि वो फॉर्मूले पहले से नहीं थे अब है, तो मैं नया चेक कर रहा था कि क्या है फॉर्मूला। तो एक पहला मोटिव समझ में आ गया, कैलकुलेशन। और इसमें और भी फीचर है कि इसमें कुछ नए फॉर्मूले आए हैं जो कि आपके नॉर्मल एक्सेल में नहीं है, ठीक है। अब दूसरा मोटिव ये होता है कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट 3-4 शीट्स पे डेटा रखा है या डिफरेंट डिफरेंट 3-4 फाइलों पे डेटा रखा हुआ है, जो कि इस चीजों पर हम कल डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। तो आप क्या है कि VLOOKUP से लगा के इकट्ठा करना, क्योंकि क्या है फाइलों के ऊपर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कॉम्पिटेटिव जी जी। पावर पिवट यहाँ पे आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दूसरा, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन कोई अदर सोर्सेस का डेटा था, ये एक्सेल से तो पिवट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर सोर्सेस है आपके पास, जैसे कि आपके पास सेल्सफोर्स है, आपके पास SQL सर्वर है, तो नॉर्मल पिवट की पूरी सीट प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
लेकिन पावर पिवट उसको आसान, इसलिए इसको पावर पिवट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस। आप फिलहाल तो जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो इस्तेमाल कीजिए, या जो वर्कशीट फॉर्मूला जानते हैं, जैसे डे डी आई पी वर्कशीट का फॉर्मूला था, इफ वर्कशीट का फॉर्मूला था, या आपका मंथ वर्कशीट का फॉर्मूला था, ऐसे फॉर्मूले को एक बार देखे। साथ में एक्सेल के वर्कशीट, एक्सेल के फॉर्मूले का पूरा एक आर्टिकल आपको थोड़ी देर में मेल कर देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मोड है आपका, इसका भी यूज होता है, एम राउंड का भी यूज होता है, इसे सब फॉर्मूले एक्सेल के फॉर्मूले है सर। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डेट बताएगा, डेट डालेंगे उसकी अगली डेट बता देगा। ठीक है, अच्छा, जो मैंने जूम तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग है कहाँ पे सेव होगा ये? आपका रिकॉर्डिंग सेव होगा माय डॉक्यूमेंट जूम फोल्डर, इसको यूज कीजिए। कल मिलते हैं सेम टाइम और कल हम डिस्कशन करेंगे पावर पिवट मल्टीपल शीट्स के बारे में। अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा, जो कैलकुलेशन आपको समझ में आए मुझसे पूछिए। ठीक है सर। अच्छा, टेबलू के आप मुझे टॉपिक्स भेज दीजिएगा जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है सर।